एंड भाई इसके चक्कर में ना पूरा स्मोकी हो रहा है। एंड भाई अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है तो बहुत आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। और आज हम हैं एक नई डेस्टिनेशन पे जो कि पड़ती है महाराष्ट्र में और ये है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो लोग यहाँ पहले आए वो समझ गए होंगे मैं हूँ अभी शिडरी में। सो ओम साई राम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है यार क्या करना है, अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट। और मैं आपको नीचे का एरिया दिखा देता हूँ, पहले फिर देता है एक प्यारा सा रूम टूर। ये प्लेग्राउंड है, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन भाई, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे एक जकूजी है एंड ये लास्ट तक इन्हीं की प्रॉपर्टी है भाई। बहुत सही व्यू है, बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ। एंड भाई ये कुछ ऐसा व्यू आएगा बालकनी से। भाई पूरा मस्त व्यू आता है। ये साई तीरथ है जहाँ भी हम जाने वाले हैं, एक वाटर पार्क है। ये दूर आप देख रहे हैं, ये है शिडरी रेलवे स्टेशन। सो भाई प्लानिंग कुछ ऐसी है, अभी हम जा रहे हैं साई तीरथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। भाई साई तीरथ जाने से पहले मैं एक रूम टूर दे देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था। ये एक एक्स्ट्रा बेड लगवाया है, ये एक डबल बेड है एंड कुछ थोड़ा मेसी हो गया है क्योंकि मैंने ऐसे ही कपड़े डाल दिए। भाई ये रहा पूरा रूम, रूम में साई बाबा की फ़ोटो लगी हुई है एंड ये कुछ ओल्ड शिडरी की पिक्चर्स है एंड ये वार्डरोब है एंड दिस इज़ द वॉशरूम। सो भाई प्रॉपर्टी तो बहुत सही है, यार नीचे लॉन दिया हुआ है, आप खा के वॉक कर सकते हैं, आसपास का एम्बियंस बहुत सही है, तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है सन एंड सैंड होटल, जो कि शिडरी में ही है। सो भाई अभी हम आए साई तीरथ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं साई तीरथ, चलते हैं करते हैं इसको एक्सप्लोर एंड देखते हैं शिडरी में कुछ डिफरेंट, क्योंकि लोगों को लगता है शिडरी आया दर्शन करो एंड धर्मशाला से भी यही है। नहीं भाई शिडरी में भी आप कुछ अलग है, वो भी देखते हैं भाई कैसा है, क्या क्या है अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आप भी पहली बार देख रहे हो, तो दिखाता हूँ आपको साई तीरथ, करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। बट जर्नी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, तो चलते हैं। ओम साई राम। तो भाई ये एंट्री है, कुछ ऐसा दिखता है साई तीरथ, आप देख सकते हैं एंड आप साई बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। ओम साई राम। भाई ये बहुत सही लग रहा है, अरे व्हील जो है ना भाई इतना प्यारा लग रहा है ना भाई, क्या डिफरेंट बना, इतने मज़े आ रहे देखने में भाई साहब। चलते अंदर करते हैं एक्सप्लोर। एंट्री में आपको एक बैंड मिलेगा, ये एज ए टिकट है जिसके चार्जेस है 286 रुपीज़ एंड अंदर आगे कुछ ऐसा है। बहुत सही लग रहा है भाई, वाइब्स तो अच्छी आ रही है। पहले चलते हैं तीरथ यात्रा में, उसके बाद बाकी देखते हैं। सो भाई साई तीरथ में आपको ट्रेन में बिठाते हैं। नमस्कार, ये ऐसा कुछ है, मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था, तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। सो भाई ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का एंड अभी आगे चलते हैं, कौन सी स्टेट आएगी, कौन सा मंदिर, उसके लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सो भाई आप दर्शन कर सकते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल एंड ये ट्रेन है जो आपको पूरा दर्शन कराते हुए लेके जाएगी। ये दिल्ली वाली द्वारका नहीं है, ये द्वारकाधीश है। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। ये द्वारकाधीश मंदिर
हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शन कर सकते हैं एंड ब्लेस हो सकते हैं। तो ये द्वारकाधीश। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। सो भाई अब आप केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं एंड ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। चलेंगे इसके बाद दूसरे पॉइंट पे, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। तो भाई आप बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। मैं आपको चार धाम की यात्रा करा रहा हूँ, इसी बात पर लाइक कर देना एंड आप दर्शन करिए एंड ब्लेस्ड हो जाइए। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। सब आप दर्शन कर सकते हैं श्री विट्ठल जी के एंड ब्लेस्ड हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो भाई आप गुरु नानक जी के ग्रंथ साहिब के दर्शन कर सकते हैं एंड मैं आपको सीधा अमृतसर लेके आ चुका हूँ। अब चलते हैं अमृतसर से कहीं आगे की साइड। वेट करने का भी खान जाता है, आपको तभी पता चलेगा। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। सुबह आप जगतपुरी के दर्शन कर सकते हैं एंड चलते हैं दूसरी स्टेट में। पर भाई एम्बियंस बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं यार। आप इंजॉय करें, मैं बाद में बात करूंगा। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं। देवी मीनाक्षी जी के दर्शन कर सकते हैं एंड फिर से ब्लेस्ड हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट में या डेस्टिनेशन बोल सकते हैं आप।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो सुबह आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। वर्ल्ड फेमस आपको पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ। सो भाई ये ट्रेन है जिसमें आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तो एंड हो चुके हैं, अभी आगे जा रहे नेक्स्ट कस्टमर के लिए। तो भाई साई लीला में आपको यही दिखाएंगे जो फोटोज लगी हुई है, एक प्रॉपर मूवी के तरीके से दिखाएंगे, हल्का फुल्का चीटिंग से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। एंड ये रहा भाई साई लीला का, इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं क्या क्या है, एंड खाने के भी ऑप्शंस एक दो। सो भाई साई लीला देख के आ चुके हैं भाई, बहुत सही एक्सपीरियंस है। देखो मैं फ़ोन से ज़्यादा बता नहीं सकता, आप आओगे ना आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको खुद पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो भाई डेफिनेटली आपको आना चाहिए, कुछ हटके 86 की टिकट है। एंड उसमें आपको 4-5 इवेंट्स दिखा रहे हैं, कुछ अलग तरीके से 5D मूवी, नॉर्मल मूवी, तो एनिमेटेड दिखा रहे हैं, देखना चाहिए। सो भाई चलते हैं 5D मूवी देख के आते हैं हनुमान जी की। यहाँ पे सब सीक्वेंस वाइज होता है, तो चलते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। दिखा तो सकता नहीं रिकॉर्डिंग है, सॉरी, बट अगर हुआ तो रिकॉर्डिंग कर लूँगा चोरी छुपे, वरना देखते हैं उसके बाद में। सो भाई ये हॉल है जहाँ पे आपको वेट करना है, तो 5-10 मिनट लगेंगे, एक शो का मूवी होगी 5D हनुमान की। में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, तो चलते लंका दहन देखने और उसके एक्सपीरियंस मैं आपको देखने के बाद बताता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, देख के आते लंका दहन। तो भाई कुछ अंदर ऐसा है, एंड अपने को ये ग्लासेस दिए गए हैं, एंड मैं इंजॉय करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बाकी मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपने को दिखाया जाएगा लंका दहन, बाहर अपने को दिखाया था रामायण, दिखा नहीं पाऊंगा सॉरी, अलाउ नहीं रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो भाई लंका दहन देख के हम आ चुके नीचे, आपको लिफ्ट से जाना पड़ता है ऊपर लंका दहन, अब यहीं से नीचे आएंगे लिफ्ट में जाएंगे। भाई देखो 3D तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, मोबाइल में या कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं होगा, बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा आपका भाई, बहुत मस्त एक्सपीरियंस है, प्रॉपर आपको लंका दहन दिखा रहे, थोड़ा रियल एक्सपीरियंस आएगा। डेफिनेटली मैं फिर से कहूँगा आपको आना चाहिए, आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, आपको कैसा मजा आप तभी बता सकते हैं। अगर आप पहले आए हो तो कमेंट करके बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर आप आने की सोच रहे हो तो वो भी कमेंट करके बताओ। भाई ये द्वारिका माई, चलते अभी इसके अंदर, इसके अंदर भी रिकॉर्डिंग तो अलाउड है नहीं, और बहुत से एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो भाई अभी हम आए हैं द्वारिका माई, विजुअल से पूरा द्वारिका माई दिखाएंगे, कुछ ऐसे सिटिंग के एरिया, तो मैं इंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद, क्योंकि इसमें अभी रिकॉर्डिंग तो अलाउड है नहीं। A few moments later. So भाई हम देख के आ चुके हैं द्वारिका माई भी, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं, बट भाई एक्सपीरियंस बहुत वर्थ इट है। सिर्फ एक टिकट लगती है, छोटा सा अमाउंट है 286, VIP 786, VIP में आपको खाना वाना देंगे, थोड़ी अच्छी ट्रीटमेंट होगी, बाकी सब सेम है कि बैंड होगा टिकट के नाम पे, तो कुछ ऐसा है साई तीर्थ। मैं तो कहूँगा भाई अगर शिरडी आ रहे हो डेफिनेटली विजिट करो वन टाइम, तो डेफिनेटली 5D मूवी में अलग मजा आएगा भाई, बहुत से एक्सपीरियंस है, मैं दिखा नहीं सकता, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो भाई शिरडी के अंदर के तो दर्शन करा नहीं सकता, रिकॉर्डिंग बंद है, पर मैं इसके दर्शन जरूर करा देता हूँ, ये भी डिटो वैसा ही है,
मैं आपको यहीं पे दर्शन करा देता हूँ। तो भाई आप शिरडी साई बाबा के दर्शन कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की भी जगह है, आप एक दो आइटम्स ले सकते हैं, पर आपको लेना है तो मैं दिखा देता हूँ। भाई सामने खाने के ऑप्शंस है, यहाँ पे भी खाने के ऑप्शंस है, एंड ये रहा शॉपिंग का, एंड ये पूरा इसके अंदर होता है, पर एम्बियंस बड़ा सही बनाया हुआ है। सो भाई तीर्थ स्थान से आ गए, आई होप आपने जो तीर्थ स्थान की वीडियो देखी आपको पसंद आई होगी अभी तक। तो तीर्थ स्थान के बाद यार आके मैं थोड़ा रेस्ट किया है, अब रेस्ट करने के बाद पहले तो रूम क्लीन किया क्योंकि मैसी हो चुका था और ज़्यादा, एंड अब चलते नीचे, हम जा रहे हैं मार्केट की साइड, वहाँ जाके कुछ खाते हैं एंड देखते हैं कैसा खाना है, तो मिलते हैं। सो भाई ये एंट्रेंस है रिसेप्शन एरिया, तो चलते हैं अभी बाहर की साइड। गाइस अभी हम आए हैं अमृताले चाय पीने, एक बिस्किट लिया, ठीक है मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। भाई टेस्ट बहुत सही है, मस्ट रिकमेंडेड है, टेंपल के बिल्कुल सामने है, गेट नंबर 5 के आप आ सकते हैं एंड टेस्ट कर सकते हैं। Oh,
भाई जस्ट अभी दर्शन करके आए एंड मैं आपको बाहर का हाल दिखाता हूँ भाई, आप देखो उसके बाद बात करता हूँ भाई, इतना बुरा हाल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यार। भाई ये देखो यार, शायद ये अभी कैप्चर कर पाएगा, बट भाई साहब लाइट की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ कहीं दूर आग लगी हुई है भाई, ये देखो यहाँ पे कहीं आग लगी हुई है, ये दिख रहा है। एंड भाई इसके चक्कर में ना पूरा स्मोकी हो रहा है और ऐसा लगा इतना पोल्यूशन, तो ये पता नहीं आग लगी है लोगों ने लगाई है जो भी है, पर भाई बहुत अलग यार कितना फॉगी, और आप देख सकते हो भाई। एंड मैं होटल का नज़ारा दिखाता हूँ भाई, रात को कैसा दिखता है होटल, एंड ये कुछ ऐसा है, एंड ये रहा साई तीरथ। एंड भाई अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही है भाई, एक घंटा हुआ है मुझे सोते हुए, एंड अब देखो पहले कितना पोल्यूशन था और अब इससे आप हाल देख सकते हो भाई, कितनी तेज़ लहरा रहे भाई पौधे, आप समझ सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है, एंड बारिश आ रही है हल्की हल्की। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करते रहो यार, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। पर बाहर का मौसम अभी भी वही हो रहा है, आंधी चल रही है, बिजली कड़क रही है, तो करते हैं आज का व्लॉग एंड इसी के साथ, टिल देन बाय 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 खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।